what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and today I'm going to react on Suresh and Alia's live. और मेरा मूड इसलिए उतरा हुआ है बिकॉज मैंने जो टाइटल पढ़ा है वो कुछ ब्रेकअप का है. तो आई डोंट नो क्या लाइव होने वाला है, हुआ क्या है, मुझे सब पता चलने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो छोड़ दो, ठीक है, मुझे छोड़ दो. मैं ये बोल रही हूँ आपकी लाइफ में जो लड़की है मुझे पता है मैं नहीं हूँ. ओके, मैं नहीं हूँ आपकी लाइफ. जो लड़की आपकी लाइफ में है उसने वॉइस नोट भेज के लाइव पे चलवा दिया है और ये इशू चल रहा है और ये हाईलाइट हो चुका है. आपको मिल जाएंगे वॉइस नोट लाइव के बाद. मैं तब तक ज्वाइन नहीं करना चाहती थी. क्या चल रहा है? उसने ये सब कुछ लाइव पे बोला है. उसने कहा है कि इसको सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है और ये बीच में आ रही है. मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ. मतलब सच में है क्या कोई? मैंने कभी बोला मैं आपके साथ किसी रिलेशनशिप में हूँ? मुझे बताओ, मैंने कभी बोला मैं आपके साथ किसी रिलेशनशिप में हूँ? नहीं. मैंने कभी बोला कि मैंने आपको रिजेक्ट किया? आप मुझे सही से बताओ कि नहीं. नहीं, मैं आपके साथ सीरियस नहीं हूँ. बताओ है मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ. कुछ भी नहीं है. सब कुछ जानने के बाद शी इज नॉट माई हेटर. चुप करो, सब लोग चुप करो. मुझे अब मैं अपने सर पे कुछ नहीं लूंगी सुरेश. मैं ठीक है, जब उसने कर दिया है ना सब कुछ पब्लिकली तो मैं भी पब्लिकली बताऊंगी मेरा कसूर नहीं है. मेरा कसूर बताओ सुरेश. आपका कसूर कुछ भी नहीं है. उसने क्यों ऐसे किया? Can you send me video? मैं सेंड कर दूंगी, मैं लाइव के बाद सेंड कर दूंगी. मैंने तब भी आपसे कोई बात भी नहीं की है. जो भी था उसने पब्लिकली कर दिया है. वीडियो मेरे पास भी आ चुकी है. वीडियो सबके पास. ऑफलाइन आई कांट. ऑफलाइन पे बात नहीं कर सकती. ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लियर करो. मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है. क्या पहली दफा, अल्लाह की कसम मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया. पहली दफा मैं सिर्फ आपका कॉन्सर्ट देखने आई हूँ. मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया. मुझे इवन ये नहीं पता था टिकट कैसे बुक होती है. मैं आपके लिए आई हूँ. आपकी वैल्यू है तो मैं आपके लिए आई हूँ. सही बात है, ये बात तो मैंने भी बोली है यार. और अगर मैं आ गई हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ, मैं लाइव नहीं आ रही, तो ये लोग, तो वो लड़की पीछे ये बोल रही है कि मैं आपके साथ हूँ. जबकि मैंने बोला कि वो लड़की यार मैं नहीं लड़की है उसका. आपको नहीं पता कौन लड़की है? पूछो सबसे, इनको नहीं पता. सब लोग देखी बैठे, सब लोग सुनी बैठे. अब चाची क्या हो, बोलो. अभी मैं चाहती हूँ. तुम्हारी कोई गलती नहीं है ये सब कुछ. मुझे ये बताओ, मैं आप दोनों के बीच में आई हूँ कभी? कौन दोनों? अच्छे मत बनो प्लीज. मैंने आई रिक्वेस्ट. सबको लग रहा मजाक है. नहीं नहीं, अरे मुझे बताओ तो सही क्या बात हुई. Really confused, is this prank? अरे नहीं, कौन सा prank? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा flop prank हो रहा है. Alia, तुम अभी उसके साथ बैठी हुई थी, क्या बात हुई मुझे बताओ. Thank you, Patlu. अबे ये suspense क्यों डाल रही हो? मैंने कभी उसकी privacy leak नहीं की, मैंने कभी उसकी बातें leak नहीं की. मैं उसकी life में नहीं हूँ. I respect him a lot. और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी. मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की, ठीक है. लेकिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इशू हो गया है. हुआ क्या है? मैंने कभी इन लोगों को नहीं बोला कि मैं उसकी लाइफ में नहीं हूं कहीं पे. इन लोगों को इस वजह से नहीं कि
क्या बोलूं? मुझे ये बताओ, अभी तुम उसके साथ लाइव बैठी हुई थी, क्या बात हुई है? मुझे इतना बताओ। कहता कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो इवन मुझसे पूछ रहा है कौन सी लड़की। अच्छा वो कह रहे, अच्छा तुम तो बताओ कौन है ये लड़की जिसने वीडियो डाली है जो तुम कह रही हो कि वायरल हुई है, जिसमें वो कह रही है कि मेरा उस रेश। हाँ कोई वीडियो ऐसी आई है जिसमें लड़की कह रही है कि मेरा सुरेश का रिलेशन है? सुरेश को नहीं पता उसका रिलेशन है, वो मुझसे पूछ रहा है। वो झूठ बोल रहा है तुम कह रही हो? नहीं, सुरेश को नहीं पता उसका रिलेशन है, वो मुझसे पूछ रहा है। तो तुमने ये पूछा सुरेश से कि क्या वो तुम्हें लेके सीरियस है? अभी सबको बता दो मेरा कसूर नहीं है, एक दफा सबको बता दो मेरा कसूर नहीं है। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ रही हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट हर, आई रिस्पेक्ट योर लाइफ। गाइस मुझे नाम लिखना कमेंट्स में कौन है ये लड़की, अगर आप लोग जानते हैं तो। यार माइक हटा के बात करो, क्या माइक लगाते? मैं माइक लगाता हूँ। प्लीज एक दफा सबको बता दो कि मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ रही। उसको एक बात समझ नहीं आती, ठीक है आ गई लड़की, वो मुझसे पहले से है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सुरेश की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो पहले से है। मैंने कभी सुरेश को नहीं कहा कि जबरदस्ती तुम मेरे साथ से रिलेशनशिप में आओ या जबरदस्ती तुम मुझसे प्यार करो या ये वो। मैंने कभी ऐसी बात ही नहीं की यार। तो पहले से मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो सुरेश नहीं मान रहा, सुरेश नहीं मान रहा कि कोई ऐसी लड़की है। मुझे पहले वीडियो सेंड करो कि उसने सच में कहा है या नहीं कहा। मैं नहीं जानता कोई लड़की। मैंने कहा तुम नहीं जानते कोई लड़की है तो भेजो ना उसको यार वीडियो। यार उनकी मैं क्यों भेजूं यार, मैं उससे बात नहीं कर रही, मैं उससे इस बारे में नहीं बात कर रही। मैंने कहा सिर्फ अब जब लाइव पे सब कुछ आएगा तो यही आएगा कि वो यही बोल रही है। वीडियो तो भेजो उसको, बता दो उसके बात क्या हुई है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसी बात नहीं है यार। पास्ट नहीं है वो लड़की, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है। मैं बोलूं क्या बोल रही है वो? बोलो। गर्लफ्रेंड नहीं है वो। फिर क्या है? वाइफ है। सर बीवी है। मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। वेट, सबर। अगर पास्ट नहीं है और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन लड़की है तो ये तो बीवी हुई। Am I right or I'm? अबे, अरे यार ये दोनों चले गए, अजीब, दोनों की दोनों अजीब लड़कियां यार, मुझे अकेले छोड़ गई हैं। अच्छा सुनो, उतनी देर तक सब लोग इधर आओ और मुझे फॉलो करो। अगर यही पे भी मैंने बस फोन नीचे रखा है, लोगों को मेरे रोने वाली वीडियोस पसंद है। यार तुम दोनों को क्या हो गया है? हैं? इतना मार करना है आपको? इतना प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ। मार करना है आपको? खुदा का वास्ता है, प्लीज मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ। ओके मैं भी सीरियस हो गया, ठीक है। वो बोल रहा है कट करो, कट। मैं कैसे कट करूँ यार? क्या कट करो? लाइव कट करो। आई रिस्पेक्ट हिम, हिज रिलेशनशिप, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग। तो तुम ये सब खत्म करना चाह रही हो? मैं क्या खत्म कर रही हूँ यार, वो क्या बोल रही है मेरे बारे में? मेरी फैमिली के लिए इशू हो गया, बी के लिए इशू हो गया, हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं लोग कि वो सुनने के बाद वो लोग बोल रहे हैं अच्छा ये उसके लिए आई है, ये उसके साथ है, ये उसके साथ है। क्या मैं उसके साथ हूँ यार? मैं क्यों होंगी उसके साथ? लोगों ने बोला है कि ईसा की वजह से सुरेश को साइड में कर रहा है। अबे ईसा मेरा, ईसा मेरी है, बट उसको आपके साथ जोड़ा गया है। यार वो बी के साथ है। मजाक कर रही है आप मेरे? नहीं, मेरा फ्रेंड है। ओह हेलो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ये बी जो है ना ये मेरी दोस्त है और ये जो एलिया है ये मेरी बहन है, ठीक है ना? एग्जैक्टली। मतलब भाई अगर मैं, और देखो सुनो, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है ना? ये जो वीडियोस वाली बात है ना कि क्या नाम है कि वीडियोस में जो है ईसा है और सुरेश नहीं है, भाई इसकी एक सीधी साफ एक्सप्लेनेशन ये है कि हम सब साथ में हैं, ओके, ऑल फोर ऑफ अस, हम सब साथ में घूम रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये लोग पहली बार दुबई आए हैं, ये लोग मेरे मेहमान हैं, ओके। सुरेश तो एक बार पहले आया होगा,
लेकिन मैं इन लोगों को जो आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम, आई एम टेकिंग देम प्लेसेस, मैं इनको जगह लेके जा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, ऑलराइट। तो वीडियोस बीच बीच में बनती हैं, ओके ऑफकोर्स। तो अब अगर उन वीडियोज में मैं एक्टिव हूँ, ठीक है ना, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा यू नो मतलब कि इन्जॉय करूँ, तो मैं तो करूँगा। अब अगर सुरेश जो है वो नहीं है इस टाइप का कि वो घुसे कैमरा के अंदर घुस जाए, तो वो उसकी पर्सनैलिटी है। मेरी पर्सनैलिटी के जहाँ पे वीडियो बन रही है मैं सामने आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये करता है गाइस, ये हर वीडियो तो आप लोगों को लग रहा है कि ये एलिया मेरे लिए आई है, मेरे साथ वीडियोस बना रही है, नहीं, मैं इसकी वीडियोस में जानबूझ के जो हूँ घुस रहा हूँ। तो आप लोग कुछ और बात समझो, ओके। सुरेश जो है ना वो ज्यादा बात नहीं करता, वो ज्यादा उस तरह का नहीं है। मैं जो ना, आप मुझे समझो कि मैं बंदर जैसा हूँ, छलांगे मैं छलांगे मारते रहता हूँ इधर उधर, समझ लो। वो नहीं करता, ईशा नहीं है, ईशा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एस, अब अपना नेम चेंज करो, IESSA ईशा, एच आप लोग एम एच डाल देते हो यार बीच में, कम ऑन यार। एलिया थिंक सबसे पहले गाइस मैं इनके साथ थी, ये दोनों भाई बहन है और इसी तरह से दूसरे के साथ है, ऐसा नहीं कि लाइफ पे बहन भाई बोलते और पीछे कुछ और, पीछे भी लाइफ नहीं है तब भी एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, हमारे बीच में मजाक चलती है। ओए हां, मेरे को भी यही लग रहा है। ओए यार, यार सुरेश को लाओ सामने यार, इस मामले को खत्म करो, सही करो जो भी है उसको, सुरेश को लाओ यार। जो जो सब मेरे लिए अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, शुक्रिया यार, थैंक यू। लाओ सुरेश को सामने लाओ, चीज क्लियर करो यार, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। वो ये रो रही है, ये क्या सीन है यार, ये लोग दुबई रोने आए हैं। हाँ सही बात है, पहले बी रोई है फिर एलिया रो रही है। अबे सामने आओ यार, रो तो मत तुम लोग यार, मैं अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, मैं भी रोना शुरू कर दूँ गाइस। एलिया डोंट क्राई, बी सामने आओ, ओए बी इसको चुप कराओ यार, तुम तो नहीं रो रही, कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्यों रो रहे हैं? ओके एलिया सुनो मेरी बात, ये जो मसला है ना इसको जो है ना हम थोड़ा सही करते हैं, तुम सुरेश को सामने लाओ, डोंट क्राई, डोंट, ओए हो यार रोते नहीं है, कम ऑन एलिया यार, बेसिकली ना यार इस वक्त ये सब ना थोड़ा ख़राब हो गया है, ओके। एलिया आई थी कि वो टाइम स्पेंड करे सुरेश के साथ दुबई स्पेशली उसके लिए, और अब सुरेश जो है वो उसकी कुछ बातें निकल आई हैं जो पहले नहीं मालूम थी, दिस इज़ व्हाट एलिया सेड, अब मुझे नहीं पता, तो कुछ बातें निकल आई हैं एंड सुरेश जो है वो उसको सही टाइम भी नहीं दे रहा, एलिया सीरियस थी लग रहा है कि सुरेश सीरियस नहीं है, और मैं उसे पर्सनल में भी कुछ नहीं कह रही, कोई बात नहीं कर रही मैं उसे पर्सनल में, नहीं मैं क्या बोलूं यार पर्सनल में, मैं उसे बात भी नहीं कर रही हूँ फिर भी ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एलिया तुम कहाँ पे हो, मैं आओ तुम्हारे पास, सुनो यार सुरेश को, मैं सुरेश तुम और बी हम चारों एक साथ बैठते हैं और इस मसले को हल करते हैं, इट्स अप टू यू, मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा या लाइफ में सॉल्व करना है, मैंने कभी उसको गुस्सा नहीं दिलाया, मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि तुम आगे सबके सामने ये सब कुछ बोलो कि तुम हो उसकी लाइफ में, मैंने कहा तुम्हारी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी, मैं ना तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ ना कभी तुम्हारी जगह लूंगी ना, फिर भी उसने वो ये सब कर रही है, मुझे नहीं पता क्यों कर रही है यार, है कौन वो? ओके सुरेश को ऐड करो, ब्रिंग सुरेश, लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम, इस तरह अगर हम रोते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेट्स ब्रिंग सुरेश,
इज ही लाइफ कुछ नहीं होता बैठा हुआ भी यार तुम कहाँ गायब हो गई हो यार भी इसको चुप कराओ यार आप बैठ के उसकी शक्ल तो मत देखो ना उसको 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 कंफर्ट करो यार वो रो रही है और आप अपनी तरफ से आप मत उदास हो प्लीज यार अगर आप दोनों रोगे फिर कौन किसको चुप कराएगा आप आ जाओ फिर तो ईसा को ही आना पड़ेगा मजाक कर रही है मतलब आप एक काम करो अब जाके अपना लाइफ करो गेम खेलो या पे अभी इस चीज को रहने दो यार ऐसे कैसे रहने दूं तुम लोग मेरे दोस्त हो तुम लोग रो रहे हो मैं तुम लोग को ऐसे छोड़ दूंगा मैंने उससे सिर्फ कुछ बात बोली है मैंने कहा ये एक बात बता दो मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ सीरियस नहीं हूँ ये बोलो पहले ये बात सबको क्लियर करो कि मैं ऐसी धोखा नहीं दे रही ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा मत बोलो मैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है मैं जानती हूँ ये कहाँ गई ओए बी मैं उसको धोखा क्यों दूंगी यार मैं कभी थी नहीं उसकी लाइफ में तो मैं कैसे आऊंगी तो तुमने जब ये उसको कहा तो उसका जवाब क्या था यार वो एक दफा सबको बोल दे यार मेरे लिए इतने मसले हो रहे हैं वो कट करके चला गया उसने एक दफा भी नहीं सोचा यार मैंने बात करनी थी उसे एक दफा तो सबको बोल दे कि मेरा कोई कसूर नहीं है उसने कट कर दिया लाइव उसने बोला कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं आपकी कोई गलती नहीं है मैंने कभी नहीं बोला यार मैं किसी और लड़की की जगह लेना चाहती हूँ यार सब कुछ वो नहीं बोला वो समझ आता है यार नहीं अगर सुरेश ने लाइफ को कट कर दिया बात को सॉल्व किए बगैर तो ये तो सही नहीं है यार जो भी है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ यार है कौन और है क्या रिश्ता क्या है यार अलिया फिर मुझे बताओ कि इसको क्या करना है क्योंकि मुझे तो सिर्फ दो ही हल नजर आ रहे हैं कि हम सुरेश को लाएं बैठ के इस चीज को सही करें चाहे वो लाइव में हो या वो प्राइवेट में हो और मुझे लगता है लाइव में ही करना पड़ेगा क्योंकि अब सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो गई है और वो भी जानना चाहते हैं फिर जाहिर सी बात एटलीस्ट वो आ गई है सामने तो वो पहले नहीं आ सकती थी मैंने कहा उसको छुपा के रखे मेरा नाम तो नहीं ले इस तरह पहले क्यों छुपी हुई थी वो पहले क्यों नहीं आई सामने वो है कौन वो एलिया ये बताओ तुमने कहा वो गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी तो ये उसकी बीवी नहीं है वो गर्लफ्रेंड उसकी उसने खुद बोला है सुरेश को भी पता है वो क्या है क्या है फिर हमें भी तो बताओ मैं सिर्फ उसकी शो पे गई थी यार मैं फैमिली के साथ गई हूँ मेरी अपनी फैमिली है यार पहले क्यों नहीं आई वो सामने वो क्यों छुप के बैठी हुई है वो सामने आया ना तो वो लड़की इस तरह सामने आ रही है कि वो मुझे बदनाम करके सामने आ रही है कौन है हे भगवान ये है वो खुद वो करवा रही है कि मैं मीडिया पे आऊंगी मैं ये करूंगी वो करूंगी तुम्हारा मसला है तुम घर तक सॉल्व करो तुम मुझे क्यों बीच में लेके आ रही हो यार है क्या रिश्ता क्या नेपाली का ये डिलीट करो यार डिलीट करो ये पोल जिस बात का नहीं पता मत बोलो वो तो फिर सुरेश को पता है मेरी गलती नहीं है मैंने क्या की है यार मैंने कहा एक दफा बोल दो सबको कि मेरा कसूर नहीं है तुम बीच में मुझे लेके आ रहे हो यार वो लड़की क्या चाह रही है तुम लोगों को नहीं पता जो चीज तुम लोगों को नहीं पता उस बारे में मत बोलो यार एटलीस्ट अगर वो सामने आ रही है तो वो खुद से पहले सामने आए ना सबको बताए ना यार यार क्या पता ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग शादी 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 लगा लेते हो यार मैं नहीं लेना चाहती उसकी जगह यार क्या पता ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सुरेश को नहीं पता क्या
उसने झूठ बोला फिर वो है तो होगी तो पब्लिकली आए। तुमने जब सुरेश को ये सब बोला तो उसने कोई जवाब नहीं दिया? मुझे पता चल गया था कि ये सब अब हो गया है, ये सब पब्लिकली हो गया है, तो अब मैं सुरेश से क्या बात करूं। मैंने कहा सिर्फ एक दफा सबको बता दो, मेरा नाम इस तरह मत लो कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया या ऐसा कुछ करके फिर साइड पे मत हो। सबको सच बताओ यार कि मैं क्या फील करती हूँ यार, सबको पता है यहाँ पे, सबको लग रहा है वो बेचारा, उसके साथ मैंने गलत किया। मैंने क्या गलत किया यार, वो ऐसे शो कर रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। ये रे लड़की कौन है? और तुम 100% श्योर हो कि जो लड़की है सुरेश को पता नहीं है क्या? वो क्यों बोल रहे हैं कि उसको भी नहीं पता? यहाँ पे वो पब्लिकली रहे यार। कहीं सुरेश की वाइफ है या नहीं है? आप लोग क्या कह रहे हो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है या नहीं है, यस और नो? है तो वो खुश रहे उसके साथ, मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहती कभी। नहीं 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 देखो, मैं जो फील करती हूँ मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुझे ये करना है वो करना है। नहीं देखो, अगर सच में अगर है, मैंने सिर्फ यही कहा है वही बोलो लाइव पे जो निभा सको, ठीक है? लाइव पे ऐसा मत बोलो कि इसने मुझे रिजेक्ट कर देना है ये वो, तुम लोग मत बोलो, तुम लोगों को नहीं पता जब कन्फर्म। तो अगर है तो फिर तुम्हारा देखो सच में अगर है और तुम्हें अगर मैंने सिर्फ सबको यही बोला है कि कुछ होगा तो पता चल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है हम लोगों का, चुप करो, नहीं पता तुम लोगों को। चलो अगर अगर लेट से अगर है बीवी उसकी जो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है और तुम्हें ये अब पता चला है तो क्या? मुझे अब पता चला, उसको भी अब पता चला है, वो कह रहा है मुझे नहीं पता, तो सबके सामने अगर आ गया सब कुछ सबके सामने, तो सबके सामने एक दफा बोल दो ना यार। नहीं देखो ये तो अच्छी बात है अगर तुम बीच में नहीं पढ़ना चाह रही, ये तो अच्छी बात है ना, इफ यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर। आए हाय ओके, जो उसे जानते हैं उनसे पूछो यार, इन लोगों से क्यों पूछ रहे हो यार? सुरेश को सामने लाओ यार ताकि उसके सामने बात हो यार, एक दफा उन सबके सामने बोल दे ताकि उस लड़की को भी सुकून आ जाए यार। हाँ वैसे सुरेश को एक बार बोल देना चाहिए पब्लिकली यार, हाँ तो है भाई, उसकी लाइफ है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बोल रहे मुझे सेंड करो, उसको नहीं पता क्या? प्रॉमिस किया था पहले दिन ही, और मैं आई हूँ यार, जो मैंने बोला था मैंने वो निभाया, मैं वही बात करती हूँ जो मैं निभा सकती हूँ। मैं लड़की हूँ कि मैं वहां से यहाँ तक आई हूँ, ये चीज तो सबको दिखती है, और वो मेरे बारे में अभी इस तरह की बातें कर रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भैया? मुझे क्यों बोलते हो यू डोंट वांट हिम? मैं अगर चाहती भी हूँ तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को नहीं पता आई वांट हिम और नॉट? पागल हूँ मैं? यार ये तो बहुत बुरा हो गया यार, ये सब तो नहीं होना चाहिए था। इवन उसका नाम नहीं लेना, लोग मुझे बुरे नाम लो, मैं क्यों नाम लूं यार उसका? नहीं नहीं इट्स ओके, तुम ना लो तो बेहतर है। हमें थोड़ी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना लो नाम तुम। उसकी प्राइवेसी है, मैंने शुरू से उसकी रिस्पेक्ट किया, मैंने नहीं लिया उसका नाम यार, वो जो भी है उसको मैं उसका नाम नहीं लेती, वो क्यों मेरा नाम ले रही है यार इस तरह? उसको लग रहा है कि तुम बीच में आ रही हो उसके और सुरेश के बीच में होगी। ओके यार ये क्या हुआ है, मतलब
कहाँ की बात, क्या आप निकल के आई है जो कभी सोची ही नहीं कि ऐसा कुछ भी निकल के आ सकता है, वो निकल के आया है। मेरा तो दिमाग ही घुमा पड़ा है, मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेश की वाइफ है क्या सच में? अगर है तो उस बंदे ने फिर वो चीज पब्लिक क्यों नहीं की कि आई एम मैरिड, बट हाँ मैं लाइफ बैठता हूँ, मेरे लाइफ दोस्त हैं, वो चीज है। आई थिंक वो क्लियर करनी चाहिए थी। मुझे लगता तो नहीं है कि उनकी वाइफ है, मुझे तो नहीं लगता। और गर्लफ्रेंड वो लड़की है नहीं, तो वो है क्या, क्या हुआ है ये? और एलिया की तरफ से यार जेन्युइनली दिखता है लड़की पाकिस्तान से दुबई में बैठी है सिर्फ कॉन्सर्ट के लिए, है उस बंदे के लिए, और कॉन्सर्ट में भी गई है। वरना कौन यार, बहुत बंदे बहुत पैसे लेते हैं ऐसे जाने के लिए, और वो कॉन्सर्ट में भी गई है, स्टेज पे भी गई है, बुके भी प्रेजेंट करा है, सारी चीज हुई है यार। तो मतलब क्या है ये, चल क्या रहा है? एलिया की तरफ से तो मुझे दिखता है, देखो भाई मैं जेन्युइनली बताती हूँ कि वो लड़की पसंद करती है, सच में करती है, और एफर्ट्स भी लगाती है, मतलब केयर का तो आई डोंट नो क्योंकि उतना पर्सनल नहीं जानते उनको, बट केयर भी शो करती है और उसके लिए चीजें भी करती है, हर एक चीज करती है, तो वो सारी चीजें दिखती हैं यार। दुबई कोई ऐसे ही नहीं बैठा होता, पता नहीं ये क्या उठ के आया। और आई थिंक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पहले तो सुरेश को वो वीडियो भेजी जाए कि ये लड़की कौन है, ये चीज सामने आ रही है, और फिर उस चीज को अच्छे से मैच्योरिटी के साथ सोल्व करो यार, ऐसे चीजें नहीं होंगी, वरना मतलब बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यार ऐसे तो। और ये ईसा जो है, ये बंदा मेरे को जेन्युइन लगा यार, बचपन है मतलब मस्तियां करता है वो भी, और मैच्योरिटी से जो बात करता है वो भी, एक नंबर का बंदा है सच में। And yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below. And I will see you in the next video. Till then, bye bye.